पूरा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, पूरी कॉलेज चालू है 94 से, ये स्कूल ये कॉलेज चल रहा है आपको, मेडिकल यूनानी कॉलेज आप देख लीजिए, और 94 से ये कॉलेज चला के आज तकरीबन 26 तारीख को हमारे जो हरदिल अजीज लीडर सुधीर बंदोपाध्याय साहब से मिल्ली काउंसिल के वफद के साथ, जिसमें कि मौलाना शफीक कासमी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, कारी फजलुर रहमान साहब प्रेसिडेंट, और शहूद आलम साहब जो है सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हम लोग जाकर के सुधीर दास से मिले, और साथ में एमपी हमारे नदीम उल हक भाई और डॉक्टर शांतनु सेन एमपी राज्यसभा सुधीर दास से मिले, और अमीरुद्दीन बाबी एमएमआईसी वो भी साथ में थे, सब लोग हम लोग मिल के बात हुई। दादा से एकमात्र प्रार्थना जे दीदी हमारे कॉलेज के टेक ओवर करे नी एवं हमारे समस्त रकम दुख दुर्दशा दिसंबर से स्टार्ट किए और यार 8th डे। हेलो जेकेवी कोलकाता न्यूज में आप लोगों का खैर मकदम है। अभी हम यूनानी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं, जो कि 21 दिसंबर से कंटिन्यू धरने पे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों का डिमांड था, इन लोगों का मांग था कि गवर्नमेंट जो है इस कॉलेज को अपनी तहवील में ले ले। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन लोगों ने ये लगाया है कि डेढ़, आज 8वां दिन है। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इन लोगों का क्या प्रोसेसिंग हुआ और अभी तक क्यों इन लोगों की गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी है, बात नहीं सुनी है, हम इन लोगों से ही मालूम करते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं, ये आप लोगों का 8वां दिन है इसके बारे में? देखिए हम लोग बैठे तो हैं धरने पे 21 तारीख से, जो हमारी डिमांड थी टेक ओवर ऑफ कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए हम लोग 12 तारीख को हमारे जो हरदिल अजीज लीडर सुधीर बंदोपाध्याय साहब से मिल्ली काउंसिल के वफद के साथ, जिसमें कि मौलाना शफीक कासमी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, कारी फजलुर रहमान साहब प्रेसिडेंट, और शहूद आलम साहब जो है सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हम लोग जाकर के सुधीर दास से मिले, और साथ में एमपी हमारे नदीम उल हक भाई और डॉक्टर शांतनु सेन एमपी राज्यसभा सुधीर दास से मिले, और अमीरुद्दीन बाबी एमएमआईसी वो भी साथ में थे, सब लोग हम लोग मिल के बात हुई दादा से 12 तारीख को। दादा 14 तारीख को हम लोगों ने 13 तारीख को फिर दादा के पास उन्होंने कहा था कि आप एक प्रेयर जो है दीजिए, रिक्वेस्ट दीजिए, तो मिल्ली काउंसिल ने अपने लेटर हेड पे मैटर बनाया, हम लोगों ने भी सब सबमिट कर दिया था, तो दादा ने 14 तारीख को सीएम को लेटर लिखा है और अभी तक हम लोगों को मतलब कोई जवाब नहीं। ने लेटर लिखा है जी, सुधीर दा ने अपना कवरिंग लगा करके उस पर लिखा है सीएम को कि ये जो मैटर हमारे एरिया में आ रहा है कॉलेज इसको होना चाहिए, बिल 9 साल पहले पास हो चुका है, इसको इंप्लीमेंट किया जाए। अच्छा, ये लेटर कब का बात बोल रही है? ये मैं 14 दिसंबर की बात बता रहा हूं। 14 दिसंबर को जी, ये 14 दिसंबर 2020 को जी, अभी हाल फिलहाल तो हम लोग जो है मिले हैं, बात हुई है शफीक साहब से भी, और उनका कोई अभी फीडबैक नहीं मिला है। जो सेक्रेटरी साउथ भाई हैं उनसे भी कल हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका कुछ जवाब हासिल हो जाए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद फिर हम लोग 24 दिसंबर 2020 को हेल्थ सेक्रेटरी सर को भी एक चिट्ठी लिखा है, और 24 को ही हमने चिट्ठी अपने ऑनरेबल सीएम को भी लिखा है तमाम स्टाफ स्टूडेंट की तरफ से, और वो लेटर भी हम लोगों ने भेज दिया है। तो देखा जाए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी हुकूमत है, दीदी की हुकूमत है, माँ माटी मानुष की हुकूमत है, उम्मीद है दीदी से कि बहुत काम हो रहा है तरक्की का, एजुकेशन का, हेल्थ का, हम लोग का भी काम इंशाल्लाह जरूर होगा, आपकी उससे खबर पहुँचेगी दीदी तक और हम लोगों का काम होगा, हम लोग पूरी उम्मीद है दीदी से। मतलब यहाँ पे आप लोगों को मतलब मिलने के लिए आया गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन के, पुलिस की तरफ से, होम डिपार्टमेंट से, एजुकेशन से, पुलिस हमारे तालतला पुलिस की तरफ से तो आ रहे हैं लोग, मिल रहे हैं, रोज इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई वफद की शक्ल में या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया अब तक। हम लोग बैठे हैं इस पर इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए मैं इस्मा खान, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ हम जो स्ट्राइक शुरू की है दिसंबर 21 दिसंबर से स्टार्ट किए हैं और यार 8th डे है, और ये स्ट्राइक मतलब इसके पहले भी कई बार हो चुकी है, ये कोई पहली बार स्ट्राइक नहीं हो रहा है, और हम मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ें उठाते हैं और उठाते रहेंगे, और जो हमारा डिमांड है सबसे बड़ा कि हमारे कॉलेज को गवर्नमेंट अंडरटेक में ले और हमारे जो डिमांड को इम्प्लीमेंट करे, जो हम आज से नहीं, हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स आज के 10 साल पहले से कोशिश कर रहे हैं, और 2010 में कॉलेज को गवर्नमेंट होने के लिए बिल भी पास हो चुका था, लेकिन अभी तक वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, अभी तक हमारा कॉलेज सरकारी नहीं हुआ है, और इस चीज़ का हमारा मुतालबा है। ये तो ऐसा है कि आप लोग 8 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हैं, इस दरमियान में कोई आप लोगों से बातचीत वगैरह यहाँ पे कुछ हुआ, कुछ ऐसा कोई प्रोसेसिंग कुछ आप लोगों को नज़र आया 8 दिन से गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली हमको, और इस वजह से हम अपना मतलब एहतजाज जो है जारी रखेंगे, और हमारी कोशिश है और हमारी ये पुकार है, हमारा ये सवाल है कि वो हमारे दीदी हमारी मतलब बात को सुने और इस पर एक्शन लें और जल्द से जल्द मतलब हमारे कॉलेज को सरकारी देखिए। ये तो एक स्टूडेंट और जो मुतबर लोग हैं उन लोगों से गुफ्तगू कराएंगे, बात कराएंगे,
आइए आप हुजूर अपना आज पूरा फीडबैक दीजिए कि इस 8 दिन के अंदर क्या क्या हुआ है। जी मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़रीफ। हम आपके इस चैनल के ज़रिए JKV चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये इदारा कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज का स्ट्राइक ये 21 दिसंबर से जारी है और स्ट्राइक का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने, हमारे मुतालबात को तस्लीम करे। इसलिए कि ये मुतअद्दद चैनल के ज़रिए ये बात बताई गई है कि इस इदारे कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज का बिल जो है 19 मार्च 2010 में बिल पास हो चुका है असेंबली में और आज तक जो है ये TMC की हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, नाफिज अमल नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने अपने तहवील में नहीं लिया, टेक ओवर नहीं लिया, तो बहुत ही अफसोस की बात है। तो आप लोग 8 रोज से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, मतलब मुस्तकिल हम लोग ये स्ट्राइक जारी है, प्रोटेस्ट जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट कोई, आज जो है 28 दिसंबर है, 21 दिसंबर से मुस्तकिल जो है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ न्यूज चैनल के जरिए आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता सरकार तक, ममता दीदी तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारे जो है ये कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज का जो स्ट्राइक वहाँ तक पहुँचे, क्यों लोग कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है, मकसद क्या है इनको स्ट्राइक करने का। तो मकसद हम लोग ये बता रहे हैं कि ये इस कॉलेज से मुतालिक बिल पास हो चुका है, 10 साल का अरसा हो गया और हुकूमत ने आज तक उसको जो है नाफिज़ अमल नहीं किया, तहवील में नहीं लिया, इसलिए हम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबा, ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट के तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं होता है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है कहाँ हम जल्द जो अपनी तहवील में लेंगे या इसके मुतालिक कार्रवाई करेंगे, टेक ओवर करेंगे। और सभी को मालूम है कि मगरबी बंगाल में ये वाहिद कॉलेज है, यूनानी कॉलेज इस जोन में वाहिद कॉलेज है, उसके बावजूद भी हुकूमत की नज़र नहीं जा रही है, आखिर हम लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। और स्ट्राइक करने का कोई हम लोग का खास कदम है ये नहीं है कि मजबूरी में कर रहे हैं कि आखिर हुकूमत की बेतवज्जही का शिकार हम लोग क्यों हैं, आखिर क्यों हम लोग जो है उसकी जो है तरफ से ये महरूम है। तो जबकि इस स्टेट में मगरबी बंगाल में आयुर्वेदिक कॉलेज है, होम्योपैथिक कॉलेज है, योगा कॉलेज है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट अपने तौर पर चला रही है, वो जिस तरह जो है गवर्नमेंट और तमाम कॉलेज को चलाती है, आखिर यूनानी पर क्यों नज़र नहीं जा रही है, क्या इसमें खामी है, क्या इसमें कमी है, वो करीब आके थोड़ा देखे, समझे, यहाँ के लोगों से मुलाकात करे कि अब तक आप जो है गवर्नमेंट तहवील में लेने से क्यों ये कॉलेज महरूम है। तो कम से कम जो है गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटर कोई आए और मालूम करे कि यूनानी क्या है, कौन से पैथी है। सभी को मालूम है कि ये यूनानी पैथी एक कदीम पैथी है, इसकी भी एक तारीख है माजी में और हमारे मुल्क के तमाम स्टेट में ये कॉलेज है। सिर्फ ये हम मुतालबा नहीं कर रहे हैं हम लोग कि मगरबी बंगाल में ये कॉलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट का कॉलेज होना चाहिए, बल्कि जितने भी कहना में हमारा स्टेट है अपने मुल्क के अंदर तमाम स्टेट में ये कॉलेज यूनानी कॉलेज है आयुष के अंदर जो है। इसी तरीके से हम ये मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हुकूमत से कि जल्द से जल्द हमारी बात को सुने और हमारे कॉलेज को तहवील में ले और इसके मुतालबात को तस्लीम करें। हम लोग का स्ट्राइक, हम लोग का कहना है ये धरना प्रसन्न मुस्तकिल जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं आती है, कोई आदमी आके ऐलान नहीं करता है कि हाँ आप लोग अपना स्ट्राइक ख़त्म करें, गवर्नमेंट तहवील में लेती है, बहुत जल्द जो है गवर्नमेंट अपना काम करेगी, उस वक्त तक मेरा स्ट्राइक जारी रहेगा और जितने भी हम लोग टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब मुत्तहिद होकर, सब एक आवाज़ बनकर ये हम लोग पैगाम पहुँचा रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं। बोलूँगा अपना नाम टक किया अच्छा कुतुदी बोलो। আমার নাম প্রিয়াঙ্কা সেনগুপ্ত, আমি একজন নন টিচিং স্টাফ ইউনানি মেডিকেল কলেজে। তো দীর্ঘ 10 বছর ধরে বিল পাস হওয়ার পরও আমাদের ইউনানি মেডিকেল কলেজের অবস্থা এখনও সেই রকম ঝুলে রয়েছে। মমতা দিদির কাছে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা যে দিদি আমাদের এই কলেজটিকে টেক ওভার করে নিন এবং আমাদের সমস্ত রকম দুঃখ দুর্দশা আপনি আমাদের মিটিয়ে দিন, আমাদের স্টুডেন্টসদের ফিউচার, আমাদের টিচিং স্টাফ, নন টিচিং স্টাফের ভাগ্য আপনার হাতে ঝুলে রয়েছে, এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। কতদিন হয়েছে এখানে বসে আপনাদের মধ্যে, কতদিন হয়েছে আপনারা এখানে বসে? আমরা স্ট্রাইক করে কতদিন, আমরা 8 দিন ধরে স্ট্রাইক করেছি, 21 ডিসেম্বর থেকে আমরা স্ট্রাইক করছি এবং এই স্ট্রাইক আমাদের আমরণ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে। আপনি কি ডিমান্ড এখনো, কি আজকে কি ডিমান্ড করছেন গভর্নমেন্ট? আমাদের এখনো আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে, দিদি আমাদের এই কলেজটিকে সরকারি করে নিন, টেক ওভার করে নিন, এটাই একমাত্র প্রার্থনা, একটাই প্রার্থনা। যদি না করলে তবে এরকম চলতে যাবে, এটা আমাদের চলবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज में अभी भीम आर्मी के कुछ लोग आए हुए हैं, शायद अभी साहब आइए आप उन लोगों से ही बात करवाते हैं।
ये लोग यहाँ हैं, किस लिए आए हैं? आपका खैर मकदम है भैया JKB कोलकाता न्यूज़ में, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं और लोगों का क्या परेशानी था, आप लोगों को क्या हेल्प कीजिएगा? देखिए परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी सिर्फ इतनी सी है, समझने की बात है कि पूरे बंगाल में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उन कॉलेजों को सरकार चलाती है, लेकिन ये पूरे बंगाल का यूनानी मेडिकल कॉलेज इकलौता कॉलेज है जिसको सरकार नहीं, यहाँ के बच्चे चलाते हैं, स्टूडेंट्स चलाते हैं। और इस बात की ही लड़ाई हमारी है कि ये बच्चे ना अपने खर्चे से ये कॉलेज को ना चलाएं। सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि ये कॉलेज को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हमारा डिमांड इतना है कि सरकार इसको अपने खर्चे पे चलाइए। पूरा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, पूरी कॉलेज चालू है, 94 से ये स्कूल ये कॉलेज चल रहा है, आपको मेडिकल यूनानी कॉलेज आप देख लीजिए, और 94 से ये कॉलेज चला के आज तकरीबन 26 साल हो गए, 26 साल से ये कॉलेज अपने बलबूते पे चल रहा है। सरकार को तो ये 94 में ही सुनना चाहिए था, लेकिन अब सुन रही है, तो सरकार को मैं बता दूँ कि दे रहा है दुरुस्त है, जल्दी इस कॉलेज को अपने अंडरटेकिंग करे, यहाँ की सैलरी जो है वो गवर्नमेंट दे ताकि बच्चों को अपना इतना महंगा फीस ना देना पड़े। आज की हालात देख लीजिए कि एजुकेशन के लिए अगर पैसे देने पड़े, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, आज हमारे कॉम के लोग यहाँ से स्टूडेंट जितने भी है पढ़ के अगर डॉक्टर बनेंगे उनकी फीस अगर 250 लोगों की फीस अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती, तो गवर्नमेंट से इतनी सी अपील है कि 250 लोगों की फीस आप लोगों को सिर्फ पे करना है ताकि ये कॉलेज बड़ी स्मूथली चल जाए और यहाँ के बच्चे पढ़ के कुछ करे। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं भीम आर्मी कोलकाता का प्रेसिडेंट। थैंक यू।